हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए विप्रो की तरफ से बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। काफ़ी दिन पहले एक इन्फॉर्मेशन मिली थी तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। जो टर्मिनेशन लेटर आ रहे हैं उनके काफ़ी टेंशन में हैं, जो कि स्टूडेंट जिन लोगों का ऑफर लेटर आ चुका था, पीजेपी शो होने लगा था, पीजेपी के बाद उन लोगों का पीआरपी हो रहा था, जो प्रोजेक्ट रिसर्च प्रोग्राम होता है, जो उसके बाद ऑफर लेटर के बाद में जो प्रोग्राम होता है उसके बाद में कुछ डिले हो रहा था। तो वही है, ऑनबोर्डिंग डिले इतना क्यों कर रहा है विप्रो, क्या हुआ है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। आप लोगों की ऑनबोर्डिंग डिले क्यों हो रही है और जो उनकी ऑनबोर्डिंग डिले हो रही है तो उनकी ऑनबोर्डिंग होगी या नहीं होगी, तो मैं इस वीडियो में आप लोग तो बताने वाला हूं। गाइस, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो मेरी चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग और प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, जिससे भी कोई भी न्यूज़ आती है विप्रो या इन्फोसिस के रिगार्डिंग या अमेजोन से रिगार्डिंग या आप लोग या TCS के रिगार्डिंग, तो सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच जाएंगी। तो चलिए चलते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है विप्रो की तरफ से। देखिए, चल ये देखिए, वैन बी वेंट टू द कैंपसेस एंड मेड ऑफर्स लेटर, इंडस्ट्री वॉज मोर वोलिस विप्रो CHRO ऑनबोर्डिंग द रिले, जो कि हमारे जो CHRO चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर जो सौरभ गोविल सर हैं, उन्होंने बताया है कि जो पिछले साल जो कि हायरिंग हो रही थी उसमें जो कि बिजनेस जो कि प्रोजेक्ट्स थे, तो बहुत ही ज़्यादा मास हायरिंग में प्रोजेक्ट थे उनके पास, तो कुछ उसी के रीजन्स की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है विप्रो में, जो कि काफ़ी डिले हो रहा है, काफ़ी टाइम से डिले हो रहा है। ऑफर लेटर आ चुके हैं काफ़ी लोगों के ऑफर लेटर नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि विप्रो विल रिनेज ऑन जॉब ऑफर्स एंड विल ऑनर ऑल सच कमिटमेंट, जितने भी लोगों के ऑफर्स लेटर आ चुके हैं तो उनको कंफर्म है कि उन लोगों की ज्वाइनिंग जल्दी से जल्दी होने वाली है। तो आप ये मत सोचिए कि आप लोगों को रिजेक्शन मेल्स आ जाएगा या आप लोगों का टर्मिनेशन लेटर आ जाएगा, तो ये आप लोगों को दिमाग में मत रखिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के आ रहे हैं, धीमे धीमे प्रोसेस चल रही है। ये देखिए रिसेंटली रिसेंटली में जो 16 जनवरी 2023 का रिसेंटली का ही ये है, जो कि CHRO जो कि हमारे चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं, उन्होंने ये किया है कि जितने भी मतलब ऑफर लेटर हैं वो जल्दी से जल्दी, जितने भी आ चुके हैं उन लोगों की ऑनबोर्डिंग जल्दी से जल्दी होने वाली है। तो आप लोग देखिए, डिले इन ऑनबोर्डिंग न्यू हायर्स, अ लार्ज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी इंक्लूडिंग विप्रो हैज डोमिनेटेड द कन्वर्सेशन इन द इंडस्ट्री ओवर द लास्ट क्वार्टर में। इन्हें देखिए काफ़ी ज़्यादा जितनी ऑनबोर्डिंग से 16 नवंबर से हमारे जो ऑनबोर्डिंग की न्यूज़ आने लगी थी, जो कि ऑनबोर्डिंग होने लगेगी, आप लोग के लेटर्स आने लगे थे जो कि ऑफर लेटर थे काफ़ी लोगों के, 21 दिसंबर को ऑफर लेटर काफ़ी लोगों के पास आए थे। तो उनके पास में उनके लिए जो कि प्रोसेस चलती है, जो कि पीजेपी की प्रोसेस है, वो स्टार्ट होने लगती है, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने देखी। तो कंपनी ह्यूमन रिसोर्स इन्होंने बोला है कि मतलब ये ही सेड दैट आफ्टर द कंपनी पोस्टेड द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द Q3 FY23, गोबर सेड विप्रो विल ऑनर द कमिटमेंट्स इट वॉज मेड एंड ऑन बोर्डिंग विल बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट के यहाँ देखा जाए कि जैसे जैसे उनकी बिजनेस रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट आने लगेंगे तो जो ऑनबोर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग से विप्रो वाले करने लगेंगे। आप लोग के ऑफर लेटर आ चुके होंगे काफ़ी लोग आ जाओ, पर ऑनबोर्डिंग की न्यूज़ अभी डिले में रही होगी, तो उनका दिमाग में रख लीजिए कि जो कि जैसे ही प्रोजेक्ट आते हैं कंपनी के पास में तो आप लोगों की ऑनबोर्डिंग तुरंत हो जाएगी, आपको उसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रोजेक्ट में डाल दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को वहाँ पे ऑनबोर्डिंग हो जाएगी। आप लोग किस रीजन में ऑनबोर्डिंग होनी है, नॉर्थ या साउथ में होनी है जो ऑनबोर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग की ऑनबोर्डिंग हो जाएगी। मेल आ जाएगा काफ़ी 15 डेज पहले आप लोगों का मेल आ जाएगा ऑनबोर्डिंग का, क्योंकि जैसे ही देखा जाए ज्वाइनिंग की बात होती है तो ज्वाइनिंग उसी के अकॉर्डिंग आप लोग की हो जाएगी। आई होप गाइस आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो। थैंक यू।